हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था। हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा की जगह ली थी, जिन्होंने रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 आईपीएल खिताब जिताए थे। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का फैसला काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि यह स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजरी के चलते क्रिकेट खेल से दूर है। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने ट्रेडिंग विंडो के जरिए अपनी टीम में शामिल किया है। हार्दिक पांड्या ने पिछले 2 आईपीएल सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी की थी। अब हार्दिक पांड्या को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसने मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हार्दिक पांड्या इंजरी के चलते आईपीएल 2024 से बाहर रह सकते हैं। साथ ही उनका अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने की कोई संभावना नहीं है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, हार्दिक की फिटनेस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आईपीएल ख़त्म होने से पहले उनका टीम में शामिल होने पर एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। हार्दिक पांड्या का चोट से उबर नहीं पाना टीम इंडिया के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है। सूर्य कुमार यादव पहले ही इंजर्ड हो चुके हैं और उनका भी अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर रहने की पूरी संभावना है। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में सूर्य कुमार यादव ने ही ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में कप्तानी की थी। अब इन दोनों खिलाड़ियों के इंजरी के चलते रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की कमान संभाल सकते हैं। हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के दौरान बाएं पैर के टखने में चोट लगी थी और वो मुड़ गया था। उनका लिगामेंट टियर भी हो गया था। इसके चलते हार्दिक को वर्ल्ड कप बीच में ही छोड़ना पड़ा था। साथ ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज को मिस करना पड़ा। हार्दिक पांड्या के करियर को संवारने में मुंबई इंडियंस का अहम रोल रहा है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को साल 2015 में 10 लाख रुपये में खरीदा था। मुंबई के साथ 4 आईपीएल जीत चुके हैं हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या आईपीएल 2021 तक मुंबई इंडियंस के साथ रहे थे। हार्दिक पांड्या वाकई में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उम्मीद करते हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।